हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चिली पनीर। चिली पनीर के लिए हमने यहाँ पनीर को धो के कट कर लिया है। पनीर का कट हमारा ये बिल्कुल छोटा छोटा है, ना ही बहुत बड़ा ना ही छोटा, बस मीडियम साइज का हमने पनीर का कट किया है। अब हम इसे कढ़ाई में हमने रिफाइंड भी दे दिया है। रिफाइंड को हम अच्छी तरह से पहले गर्म करेंगे और पनीर को हम हल्का फ्राई करेंगे। कढ़ाई में हमने पनीर दे दिया है और उसे हल्का फ्राई करके निकाल लेंगे। ये देखिए, पनीर को हमने बिल्कुल हल्का फ्राई किया है। अब हम तैयार करेंगे इसमें देने के लिए, चिली पनीर में देने के लिए ग्रेवी का मसाला। ग्रेवी बनाने के लिए हमने यहाँ पे दो शिमले मिर्च को काट करके रखा है। हमने शिमले मिर्च का कट यूँ बड़ा बड़ा किया हुआ है। हमने एक चम्मच लहसुन भी काटा हुआ है, अदरक और 5 हरी मिर्च। हरी मिर्च का भी कट हमने यूँ बड़ा बड़ा किया है। और हम इसमें देंगे 2 प्याज। प्याज का भी कट हमने बड़ा बड़ा किया है, इसे चॉप चॉप करके नहीं काटना है, बड़े बड़े कट में ही काटना है। ये देखिए, प्याज को हम यूँ काटेंगे। पनीर को हमने जो रिफाइंड में तला था उसी रिफाइंड में हम ग्रेवी भी तैयार करेंगे। अब हम इसमें सबसे पहले देंगे हरी मिर्च। फिर हम देंगे इसमें लहसुन। अब हम देते हैं अदरक। हमने लहसुन अदरक को हल्का थोड़ा 1 मिनट पहले दे दिया था। अब हम इसमें देंगे ये प्याज। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हमें इसे फ्राई नहीं करना है, बस हम थोड़ा नरम करेंगे प्याज को। अब हम इसमें देंगे 1/2 चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर, बस कलर के लिए हम हल्दी को यूज कर रहे हैं। और हम दे देंगे इसमें ये शिमला मिर्च जो हमने काट करके रखा था। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें देंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार दीजिएगा। इतना नमक दे देंगे। अब हम इसे हल्का नरम कर लेते हैं। हमने शिमला मिर्च प्याज को फ्राई नहीं किया, बस हल्का नरम किया है। अब हम इसमें देंगे हल्का सोया सॉस। हम इसे 4 बड़े चम्मच सोया सॉस में हमने डाल दिया। अब हम इसमें देंगे 5 बड़े चम्मच टोमेटो सॉस। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हम ग्रेवी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर रखा है। इसे भी हम हल्का गर्म पानी में पहले मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, हमने इस पानी दे दिया, इसे हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। ये हम देंगे तो हमने अभी बनाया है ग्रेवी का मसाला, इसमें ये हम कॉर्नफ्लोर पाउडर भी देंगे। देखिए, हमने हमारा ग्रेवी का मसाला लगभग कंप्लीट हो गया है। इसमें हम पहले देते हैं थोड़ा पानी, लगभग हम 1/2 गिलास इसमें पानी दे दिए। हमने ये जो ग्रेवी के लिए रखा था कॉर्नफ्लोर पाउडर मिला के, ये भी हम इसमें दे देते हैं। अब हम इसमें एक उबाल आने के लिए गैस का फ्लेम मीडियम से थोड़ा ऊपर करते हैं। ये देखिए, हमारा उबाल आ रहा है। अब हम इसमें देंगे 2 चम्मच सिजवान चटनी, ये हम इसमें दे देते हैं। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ग्रेवी में। ग्रेवी हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें देंगे ये फ्राई किया हुआ पनीर, हम ये ग्रेवी में दे देते हैं। इसे हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। ये देखिए, हमने पनीर भी डाल दिया है। अब हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है चिली पनीर। लेकिन इसमें हम देंगे 1 चुटकी भर चीनी, ये ऑप्शनल है। ये आप इस अगर आपको पसंद है तो डालिए, नहीं तो फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बस हम इसे 1 मिनट यूँ ही ग्रेवी के साथ पनीर को
मीडियम फ्लेम में रहने देंगे। ये देखिए ग्रेवी भी हमारी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारा बिल्कुल रेस्टोरेंट के जैसा चिली पनीर तैयार हो गया है। आप लोग भी बनाइए, खाइए और हमें कमेंट्स में बताइए आप लोगों को कैसा लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। स्वाद की दुनिया।